झारखंड में फिर से एक बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है जिसके लिए आपको तैयार रहना है, क्योंकि यह वीडियो आपको उस 50% तैयार कर देगा उस वैकेंसी के लिए। बाकी 50% आपको खुद से तैयारी, आपकी जो स्किल है वो आपको तैयार करना पड़ेगा। इस वीडियो में आपको देख के समझ में आ जाएगा कि अब आप बेरोजगार नहीं बैठ सकते इस चैनल से जुड़ने के बाद, तो बिल्कुल ही नहीं। आप मस्त तरीके से अपने जीवन को जी सकते हैं। अच्छी अच्छी वैकेंसीज ये वीडियो आपको बताएगा, और ऐसे आने वाले समय में और भी अच्छी अच्छी वीडियोज है जो कि हम आप तक पहुंचाएंगे, ये मेरा आपसे दावा है और वादा भी है। देखिए दोस्तों, अभी आपको मैं बताने जा रहा हूं कि आपके अपने जिले में, झारखंड में आप नौकरी कैसे करें। आपको अपने जिले में रहकर नौकरी मिलना जो कि असंभव लगता है आपको, यह मुमकिन करेगा आपको गेट नोटिफाइड चैनल। तो यहां पे आपको क्या करना होगा, हमारे चैनल से जुड़ना होगा। ऐसे अभ्यर्थी जो कि नए इस चैनल से जुड़ रहे हैं, नए इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको हमारे चैनल से जुड़ जाना होगा, क्योंकि हम ऐसे ऐसे अच्छी अच्छी वीडियोज आप तक पहुंचाते हैं जहां पर आपको हर एक कठिनाइयों से सामना करने का शक्ति प्रदान करता है, साथ में आपको अपने जीवन में बेहतरीन से बेहतरीन पद तक पहुंचने का रास्ता बताता है। आज मैं जो वैकेंसी आपको बताने वाला हूं, जो कि लोकेशन है जिसका कि धनबाद, जी हां हमारा धनबाद, कोयला नगरी धनबाद, जहां पे बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है, और ये वैकेंसी बहुत कम निकलती है, बहुत क्रूशियल है ये वैकेंसी, क्योंकि ये जो वैकेंसी निकली हुई है ये है होम गार्ड की वैकेंसी, गृह रक्षक वैकेंसी। देखिए दोस्तों, मैं इसके बारे में जो कि भी एक गवर्नमेंट के द्वारा PDF आया था जो कि बहुत सीक्रेट होता है, वो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं PDF पढ़ के प्रूफ के साथ वैकेंसी आपको बताता हूं। यहां पे क्या है कि एक मिनट, मैं जब तक PDF खोल रहा हूं मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि ये PDF ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि ये PDF मैं आपको भी दे रहा हूं डिस्क्रिप्शन में, आप जिसको क्लिक करके आप पढ़ सकते हैं कि नहीं नीतीश सर सही बोल रहे थे, यही वो तथ्य है जो गेट नोटिफाइड आपको देता है कि आप खुद से चेक कीजिए जो मैं बोल रहा हूं वो सच है या झूठ है। दोस्तों लोकेशन जैसे मैंने आपको बताया कि ये धनबाद में आया हुआ है, किस पोस्ट पे ये वैकेंसी आई है मैंने ये भी आपको बता दिया है कि ये होम गार्ड की वैकेंसी है, जो कि बहुत सारे 10th पास अभ्यर्थी हैं। यहाँ पे 8th पास अभ्यर्थी भी इसको अप्लाई करते थे पहले, बट अभी इसको 10th पास कर दिया गया है, जिसके लिए आपको बहुत अच्छी है कि न्यूनतम शिक्षा जो है वो 10th पास है, जिसमें आप आसानी से इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि ये लोकेशन के साथ साथ इसके साथ में कि कितनी इसकी एज निर्धारित की गई है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत लोग सोचते हैं यार मेरा एज है कि नहीं है, मेरा एज कहीं क्रॉस तो नहीं कर गया, अरे मैं इसके लायक हूं कि नहीं हूं। धैर्य पेशेंस, मैं बता रहा हूं आपको ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द PDF। अभी आपको मैं बता रहा हूं कि ये देखिए, ये तो ऑनलाइन आवेदन होगा। एज आपके लिए बहुत बढ़िया, चलिए बहुत बढ़िया। ये भी देखिए, एज तो इतना मस्त बताया गया है कि आप उस एज क्राइटेरिया में आते ही हो। न्यूनतम एज 19 साल है, अधिकतम एज 40 साल है, खुशी की बात है, आप इस एज के अंदर बिल्कुल ही आते होंगे जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, क्योंकि आप 40 साल से तो कम होंगे ही और आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, जो कि ये बहुत ही खुशी की बात है, क्योंकि ये पोस्ट आपके हाथ से नहीं जा रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं हम पोस्ट की कि कितने पद में ये नियुक्ति निकली हुई है, क्योंकि आप अपने आप को देख चुके हैं कि इसके जॉब क्राइटेरिया के अंदर में तो है, पर क्या कितने पोस्ट में है कि 638 पोस्ट है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। धनबाद में कई जगहों में निकली हुई है, देखिए मैं जॉब लोकेशन बता रहा हूं धनबाद में, और भी कहां कहां ये, बलियापुर, तोपचाची, बागमारा, टुंडी, पूर्वी टुंडी, गोविंदपुर, निरसा, एयरकुंडा, कलियासोर, नगर निगम धनबाद, नगर परिषद चिरकुंडी, बहुत शहर है, कितना नाम लूं मैं यार, आप सब में से कहीं ना कहीं होंगे। अगर आप धनबाद के भी नहीं है, आसपास जिले के तो होंगे, आप वहां अप्लाई कर सकते हो। अगर आप धनबाद के नहीं है, आसपास जिले के हैं, तो आपके लिए भी ये मौका है। ये मत सोचिए कि बैठ जाइएगा, अरे यार मैं तो रांची से हूं मैं अप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं। अरे मैं बोकारो से हूं अप्लाई कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकते हैं आप उसके आसपास किसी भी जिले से हैं तो आप इस पद को अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर आपको क्या करना है कि आपको होमगार्ड की नौकरी मिलेगी, यहां पे आपको बहुत अच्छा मौका मिलेगा कि आप सरकार के साथ साथ देश की सेवा भी कीजिएगा, आप एक फौजी बनिएगा यहां पे। साथ में फ्यूचर में आपको एक मौका मिलेगा कि आप झारखंड पुलिस से भी जुड़ सकते हैं, जो भी अच्छा कार्यरत होता है होमगार्ड में उसको पता होगा आपको कि प्रमोशन करने के बाद झारखंड पुलिस बना दिया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों यहां पर हम डॉक्यूमेंट्स की, कि किस किस डॉक्यूमेंट को आपके अपने साथ रखना होगा। तो देखिए ये ऑनलाइन आवेदन होने वाला बात है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि ऑनलाइन आवेदन होगा,
ये ऑफलाइन नहीं होगा। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट की बात करें दोस्तों, तो अपना आधार कार्ड, आपकी जो भी शैक्षणिक डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे कि 10th 12th आपने जो कर रखा है सबका प्रतिलिपि रखना होगा, साथ में सेल्फ अटेस्टेड खुद से साइन करके। उसमें कंप्यूटर की नॉलेज आपको अगर है तो बहुत अच्छी बात है। आपको साथ में यहाँ पे आपको शैक्षणिक योग्यता साथ आपको जाति, आपका निवासी, ये बहुत मैंडेटरी रहेगा क्योंकि सरकारी काम है ये, तो यहाँ पे इस चीज़ की मांग होगी। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों क्वालिफिकेशन की। तो क्वालिफिकेशन यहाँ पे अगर आपने 10th पास कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपने 12th पास कर रखा है तो भी अच्छी बात है। और भी यहाँ पे क्या क्या चाहिए तो देखिए, आपको यहाँ पे PT भी कराया जाएगा, सोच सकते हैं आपको यहाँ पे अगर आप बोलेंगे तो आपको तकनीकी दक्ष शहरी गृह शिक्षक अभ्यर्थी के लिए यहाँ पे कुछ दौड़ है, ऊंची कूद है, लंबी कूद है, शॉर्ट पुट है, ये सारे चीज़ कराने होंगे आपको। अप्लाई करने का जो फीस है वो बिल्कुल नहीं है, यहाँ पे कोई चार्ज नहीं लग रहा है और फ्री ऑफ कॉस्ट है। हम ऐसा जॉब ही लाते हैं आपके लिए जो कि पैसा ही ना लगे। और जो कि इम्पॉर्टेंट है कि लास्ट डेट इसकी कब है, तो बहुत अच्छा समय मिला है आपको, लंबा समय मिला है इसको अप्लाई करने का, 21/2/2023 से लेके 17/3/2023 तक। हाँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि अब आप आराम से बैठ जाइए, ओ भाई साहब अभी तो बहुत समय है इसको अप्लाई करने का, नहीं, आपके पास समय है इसके लिए तैयार होने का कि ये जॉब मैंने आपको बता दिया, मेरा दायित्व पूरा हो गया, अब आप क्या कीजिएगा, अब आप बैठ जाइएगा, बैठना नहीं है, इसके लिए आपको प्रिपेयर करना है खुद को। और बहुत सारे अभ्यर्थी होंगे जो कि इस वीडियो को बहुत लेट देख रहे होंगे, अरे यार अभी तो नोटिफिकेशन आया था, पता नहीं मैंने चेक नहीं किया, बाद में चेक करता हूं उसको। और ये गलती अगर आपने कर लिया है तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक है, फ्यूचर में ऐसा मिस्टेक ना करें, सबक मिलता है आदमी को ठोकर खाने से। इसीलिए यहां पे आपको एक मौका दे रहा हूं मैं कि हमारे चैनल से जुड़ जाइए आप। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो यहां पे क्या मौका मिलता है आपको कि ऐसी ऐसी नोटिफिकेशन आपके हाथ से नहीं जाती है जो कि आपके लोकेशन की है। हम हमेशा बोलते हैं कि आप अपने कमेंट जरूर किया कीजिए लोकेशन को, आपका नाम, आप किस शहर से हैं और आप उस शहर में अभी तक बेरोजगार हैं, तो ये चैनल आपको बेरोजगार रहने नहीं देगा, ये मेरा आपसे वादा है। क्योंकि हम आपके शहर की जो भी जॉब वैकेंसीज होती है हम उसको इस वीडियोज के थ्रू आपके चैनल से, हम अपने चैनल से आप तक पहुंचाते हैं। यहाँ पे आपको हमारे चैनल से जुड़ना है। देखिए परिवार में बहुत तरह की समस्याएं होती है, एक लड़का अगर रोजगार नहीं पाता है, नौकरी नहीं कर पाता है, ज़्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं अभी 10th 12th पास करते हैं, कोई ना कोई वैकेंसी की तैयारी करते हैं, पढ़ते 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 दिन खत्म, समय खत्म, शादी का समय आ जाता है, फिर दूल्हा बनने का मौका आता है तो लड़कियां ढूंढती है, हमको चाहिए सरकारी नौकरी वाला लड़का। अब यहां पे तो बस मन भड़का कि बेटा हम तो नौकरी नहीं किए, हमको शादी नहीं होगा मतलब। तो यहां पे आपके पास अगर कोई भी जॉब है तो अपनी इज्जत को आप यहां पे बचा सकते हैं। एक लड़का होने का दायित्व होता है मतलब पैसा कमा के लाओ, छोटे मोटे काम आप कर सकते हो, ट्यूशन पढ़ाते हो, कोचिंग में जाते हो, कहीं पे प्राइवेट कंपनी में कहीं भी काम करते हो, तो इन सब से आपको उतना लाभ नहीं पहुंचेगा जितना कि आपके किसी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे कहीं जुड़ते हो तो आपको लाभ मिलेगा। क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट टू परमानेंट होने का चांस सबसे ज़्यादा होता है, और अपने ज़िले में रहकर नौकरी करना इससे रौबदारी की बात क्या होगी कि बेटा तू खुद से निकलेगा अपनी गाड़ी से अपने शहर में करके नौकरी। अभ्यर्थी जो कि इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरा आपसे एक निवेदन है कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़ें, क्योंकि हम व्हाट्सएप ग्रुप में आप से सीधा बात कर सकते हैं, हमसे डायरेक्ट चैट कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। आप अगर 10th पास करके बैठे हुए हैं, बेरोजगार हैं, तो इस आइकन पे क्लिक करके आप अच्छी अच्छी नौकरी को सिलेक्ट करके चेक कर सकते हैं। और 12th पास करके बैठे हुए हैं तो इस आइकन पे क्लिक करें, अच्छी अच्छी वैकेंसीज है चेक करें, आपके लिए लिस्ट बना के हमने रख दिया है। अगर आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो इस आइकन पे क्लिक करें, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ने के लिए आप इस आइकन पे क्लिक करें। मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जोहार झारखंड।